नमस्कार, इंडिया का सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी के आ चुके हैं बम्पर सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे और दोस्तों देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है, सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि पूरा कृपा करके पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और कैसे फॉर्म को भरना है और हर महीने जो आंगनवाड़ी की भर्ती आई है उसके बारे में मैं बताऊंगा और दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर जो बातें हैं, जो कुछ आपको मैं बातें आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन सभी बातों को आप समझिएगा ध्यानपूर्वक फॉर्म भरने के दरमियान। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 8वीं 10वीं सभी लोग फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर मैं आपको बेसिक जानकारियां बता देता हूँ। तो 34,123 पदों पर दोस्तों बम्पर वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ना परीक्षा होगी ना इंटरव्यू होगी। तो अगर आपके घर में कोई भी माता बहने अगर आपके खाली बैठी हैं, अगर आप आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहती हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आंगनवाड़ी में अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पर आ चुकी है बम्पर भर्ती और दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे सब कुछ। लेकिन 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 इससे पहले दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की परीक्षा ली नहीं जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है और आप लोग फॉर्म को ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ तो विशिष्ट तौर पर इसमें जो उम्र मांगी गई है वो ध्यानपूर्वक समझना। तो 18 से 40 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर हम आके फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म भरने को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर्म भरने के दरमियान आपको कुछ बातें जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो हमारे चैनल पर रोजाना जीके कॉम्पिटिशन होता है जिसका जवाब देने वालों को मिलता है 5,000 रुपए का पेटीएम कैश। जी हाँ दोस्तों, तो आज का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का कुल हड्डी की संख्या क्या है, 206, 300, 200 और 320। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। साथ में हमारे चैनल को पे वीडियो को आपको लाइक करना है। जो लोग लाइक करेंगे और सही जवाब देगा उनको मिलेगा 5,000 रुपए का पेटीएम कैश और नगद इनाम मिलेगा वो भी पेटीएम पे। तो फटाफट जाइए, नीचे अपना पेटीएम नंबर भी आपको लिखना होगा और जब आप प्राइज जीत जाएंगे हम आपका नाम लेंगे और आपको पेटीएम नंबर अपना सबमिट करना है, आपको मिल जाएगा 5,000 रुपए का पेटीएम कैश। बस और बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम आते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे और इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में हो चुकी है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं हर महीने जो वैकेंसी आती है 10,029 पदों पे दोस्तों यहां पर वैकेंसी आई है। और यहां पर मैं बात करूं तो पद का जो नाम है उसको बात कर लेते हैं। तो सलाहकार जो कि बाल विकास के लिए उसमें एक पद है और दक्षता विकास के लिए एक है, मतलब पढ़ाई लिखाई करवाना होगा जो बच्चे को आप आंगनवाड़ी में पढ़ाएंगी। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मोबालाइजेशन में भी एक बच्चे है जिसमें आपको बच्चों के देखरेख करना है, मॉनिटरिंग करना है, उसमें एक पद है दोस्तों। और वित्तीय प्रबंधक जो खान पान का जो व्यवस्था करेगा उसके लिए एक पद है। और सलाहकार के लिए दोस्तों जी आप देख सकते हैं एक पद है, अकाउंटेंट के लिए भी एक पद है, प्रोजेक्ट एसोसिएशन के लिए दोस्तों यहां पर चार पद है और यहां पर जिला समन्वय के लिए 41 पद है और जिला परियोजना सहायक के लिए जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 41 पद है और ब्लॉक समन्वय के लिए यहां पर देख सकते हैं 4,000 से ऊपर पद है दोस्तों। ब्लॉक परियोजना सहायक के लिए 468 पद है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर जो है वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो आपको जो है वो 41 जिलों में दोस्तों ये वैकेंसी निकली और इतना ब्लॉक है, इतने जिले में 2,478 यहाँ पर 68 ब्लॉक है और इसी ब्लॉकों में के अंदर आपकी जो आंगनवाड़ी की भर्ती निकली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो राज्य है उसमें जो शहर का नाम है उस शहरों में आपकी जो है ना आंगनवाड़ी की भर्तियाँ निकली हैं तो वहाँ पर आपको नौकरी मिलेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी में दोस्तों यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जो पहले जो महीने की जो इनकम थी पर डे की 750 रुपये थी, पर डे आपको 750 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपये कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बढ़िया दोस्तों यहाँ पर अवसर है, अगर आप चाहें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप आकर देख सकते हैं, कई सारे मैं यहां पर एडवर्टाइजमेंट लेकर आ चुका हूं, अखबार में आ चुका है कि आपको जो है इसका जो वेतन है वो बढ़ा दी गई है, 1,500 रुपये आपको हर प्रतिदिन का दिया जाएगा दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं साथ साथ एक और न्यूज जो निकल गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायकों को अगले महीने से मिलेगी इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, जून में अगर आपने फॉर्म भर दिया तो जुलाई में आपके हो सकती है आपकी नौकरी लग जाएगा, तो जून जुलाई होते होते उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव क्या होता है कि आपको काम के देखते हुए कि आप कितना अच्छा कार्य करें, कितने दिन आप उपस्थित हैं, उसके अनुसार आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हर महीने, तो उसको कहते हैं इंसेंटिव। तो इंसेंटिव के लिए दोस्तों यहां पर गुहार लगाई गई थी सरकार से और आप लोग देख सकते हैं आपके परफॉर्मेंस के आधार पे दोस्तों आपको इंसेंटिव बनेगा। दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के जो मंत्रालय है वहाँ से पूरी तरीके से आदेश जारी कर दी गई है कि आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ इंसेंटिव मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जून में हम फॉर्म ना भरें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई में भी आने वाली है बम्पर वैकेंसी, 1290 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आएगी भर्ती, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दोस्तों यहाँ पर सेविका और
सहायक की पद के लिए दोस्तों यहां पर आएगी बंपर वैकेंसी। और इसके बारे में बता दूं तो आप लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। और साथ साथ यहां पर बात किया जा रहा है आम सभा में जो यहां पर बाल विकास का जो मंत्रालय होता है उसमें गुहार लगाई गई है कि जितने भी हंगामा होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको देख करते हुए अब हर प्रकार की दोस्तों समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। दोस्तों आप देख सकते हैं दिसंबर तक लगातार वैकेंसी आएंगी, दिसंबर में भी होंगी सेविका सहायिका के बंपर वैकेंसी। तो जी हाँ दोस्तों यहां पर आपने मैंने आपको बताया। अब आते हैं इस महीने की फॉर्म को कैसे भरना, तो दोस्तों आपको मैं नीचे एक वैकेंसी का लिंक दूंगा जहां पर आकर आप फॉर्म के वेबसाइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर आप आकर यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो। जी हां दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करना है, किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, हेल्पर या वर्कर, तो हेल्पर के लिए हम कर देते हैं क्लिक। और यहां पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पर आकर आप पूरा फॉर्म भरिएगा। दोस्तों यहां पर सहायिका से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बंपर वैकेंसी के